हेलो एवरीवन वेलकम टू द सेशन आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ग्रेड एट्थ की साइंस और उसका टेंथ चैप्टर रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस पार्ट टू पार्ट वन में हमने एडोलेसेंस जो एज है उसके बारे में पढ़ा था जब एडोलेसेंस आती है है तो स्ट्राइक करती है, उसके बारे में पढ़ा था रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा थोड़ा सा कौन कौन से हार्मोन्स रिलीज किए जाते हैं क्या क्या चेंजेस आती हैं प्यूबिटी के टाइम पे आज हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंट तरीके के जो हार्मोन्स होते हैं अपार्ट फ्रॉम सेक्स हार्मोन्स तो आप इस डायग्राम के अंदर देख सकते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड की पोजिशन दिखाई दे जाएगी थायरॉयड ग्लैंड की दिखाई दे जाएगी एडल ग्लैंड की दिखाई दे जाएगी पेनक्रिया दिख जाएगा ओवरीज दिख जाएंगे दिख जाएंगे सब आपको यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे जाएगा अब मैंने आपको बताया था जो हॉर्मोन्स हैं वो स्क्रीट किए जाते हैं जो केमिकल सब्सटेंसेज हैं जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल देते हैं ये स्क्रीट किए जाते हैं बाय पिट्यूटरी ग्लैंड जो बेसिकली एक्टिवेट करता है स्टिमुलेट करता है टेस्टीज को और ओवरीज को कि भाई तू प्रोड्यूस कर तू तो काम कर तू हॉर्मोन्स प्रोड्यूस कर इसके बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो एंडोक्राइन ग्लैंड है और वो दिमाग में कहीं बसा हुआ है और उसे कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस अब जो पिट्यूटरी ग्लैंड है टेस्टीज है ओवरीज है इसके अलावा और भी एंडोक्राइन ग्लैंड है हमारी बॉडी के अंदर जैसे थाइरॉइड पेंक्रियाज और एड्रिनल एक बार इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं तो भोजो और पहेली एक बार अपनी आंटी के घर जाते हैं जो कि एक डॉक्टर होती हैं और उनको याद आता है कि एक लड़का था जिसका नाम था काका और उसका ना बहुत बड़ा सा बल्जिंग सा थ्रोट था तो उनकी आंटी उनको बताती है कि जो काका है वो सफर कर रहा था गोइटर से ये एक डिजीज है थायरॅड ग्लैंड की अब प्रॉब्लम क्या थी काका का जो थायराइड ग्लैंड था वो प्रोड्यूस नहीं कर रहा था एक हार्मोन जिसे हम बोलते हैं थायरोक्सिन अगर वो ना हो तो डेफिनेटली ग्वेटर हो जाता है फिर उनकी आंटी बताती है कि उनके जो अंकल हैं वो सफर कर रहे हैं डायबिटीज से क्योंकि जो उनका पैनक्रियाज है वो सही तरीके से हार्मोन नहीं प्रोड्यूस कर रहा जिसे हम इंसुलिन बोलते हैं वो सफिशियंट क्वालिटी में नहीं प्रोड्यूस कर रहा है इसीलिए उनको डायबिटीज है मतलब मीठे का परहेज करना जरूरी है फिर बच्चों ने आंटी से पूछा अच्छा आंटी एड्रनल ग्लैंड के बारे में बता दो हमने ये बना हुआ देखा था आपके क्लिनिक पे पिक्चर के अंदर बना हुआ था तो आंटी बताती है कि जो एड्रनल ग्लैंड है वो स्क्रीट करता है केमिकल सब्सटेंसेस जिन्हें हम हॉर्मोन्स बोलते हैं जो मेंटेन करता है सही सॉल्ट का बैलेंस हमारी ब्लड के अंदर एड्रेनल ग्लैंड स्क्रीट करता है प्रोड्यूस करता है एक हार्मोन जिसे हम बोलते हैं एड्रिनालिन ये एडजस्ट करता है बॉडी के स्ट्रेस लेवल को जब आप गुस्से में होते हैं टेंशन में होते हैं बिल्कुल एम्बेरस्ड फील कर रहे होते हैं ना तो ये हमारी बॉडी को एडजस्ट करता है स्ट्रेस लेवल के अंदर जो थायरॉयड है और जो एड्रिनल है वो स्क्रीट करते हैं अपने हार्मोन को स्क्रीट करते हैं जब उनको ऑर्डर मिलता है पिट्यूटरी ग्लैंड के थ्रू कि भाई ये मेरे हार्मोन तुम्हारे तक पहुंच गए हैं अब तुम काम करना शुरू कर दो थायराइड को भी तभी काम करने का मौका मिलता है और एड्रिनल को भी जो किडनी के पास होता है जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो स्क्रीट करता है एक और हार्मोन जो रिस्पॉन्सिबल होता है हमारी ग्रोथ के लिए नॉर्मल ग्रोथ के लिए उसका होना बहुत ज्यादा जरूरी है अब बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि क्या ऐसे हार्मोन्स जैसे ह्यूमन बीइंग्स के अंदर हैं क्या एनिमल्स के अंदर भी होते हैं जी हाँ जो हार्मोन्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कंप्लीट करने के लिए लाइफ साइकिल को किसी इंसेक्ट के या आप फ्रॉक की बात कर लो हमने पढ़ा था कि जो लाइफ साइकिल है सिल्क मौत का फ्रॉक का वो अलग अलग स्टेजेस से पास करते हैं एक एडल्ट में चेंज होने के लिए सिमिलरली जो टैट है वो सर्टेन स्टेजेस से पास करता है एक फ्रॉग में चेंज होने के लिए और ये जो अलग अलग स्टेजेस हैं जिसमें ड्रास्टिक चेंजेस आती हैं इसे हम मेटामोरफोसिस बोलते हैं ये भी हमने पढ़ा था अब जब मेटामोर्फोसिस होती है इंसेक्ट्स के अंदर तो ये कंट्रोल की जाती है एक इंसेक्ट हार्मोन के द्वारा फ्रॉक के अंदर ये कंट्रोल किया जाता है बाय ये हार्मोन प्रोड्यूस किया जाता है बाय थायरॉयड। थायरोक्सिन की प्रोडक्शन के लिए पानी में आयोडीन का होना बहुत जरूरी है तो हम ये कह सकते हैं कि जो पानी है जहां टेडपोल रह रहा है वो ग्रो नहीं कर पाएगा अगर उस पानी के अंदर सफिशेंट आयोडीन का कंटेंट नहीं है क्योंकि थारॉइड ग्लैंड जो है वो तभी रिलीज करेगा जब उसे आयोडीन सही मात्रा में मिलेगा। सेम केस ह्यूमन बींग्स के साथ होता है कि अगर उनको उनकी डाइट में इनफ आयोडीन नहीं मिलता तो डेफिनेटली वो सफर करते से और ये डिजीज को हटाने के लिए आपको आयोडाइज सॉल्ट रेकमेंड की जाती है अब आपकी बुक में एक और एक्टिविटी दी गई है कि आप कलेक्ट कीजिए इन्फॉर्मेशन मैगजीन से डॉक्टर से और नोट्स प्रिपेयर कीजिए कि कितना इम्पोर्टेंट है खाना आयोडाइज सॉल्ट को आप इंटरनेट भी यूज कर सकते हैं इसके बारे में मैं आपको वैसे इंफॉर्मेशन दे देती हूँ कि जो आयोडीन है वो आपको हेल्प करती है कि आपको गोइटर ना हो ये इसलिए होता है क्योंकि थाइरोक्सिन की प्रोडक्शन के लिए चाहिए होता है आयोडीन जो थायरोक्सिन है वो प्रोड्यूस किया जाता है बाय थायराइड तो अगर आयोडीन नहीं होगा खाने के अंदर तो ग्वेटर हो जाएगा जिसकी वजह से आपकी जो मेंटल और फिजिकल ग्रोथ है वो कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्ट हो जाती है अब बात करते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में फिजिकल और मेंटल वेलबींग well एक इंडिविजुअल का बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इंडिविजुअल की हेल्थ के लिए सिर्फ फिजिकली फिट होना इज नॉट इंपॉर्टेंट मेंटली स्टेबल होना बहुत जरूरी है और खास तौर पे इस एज पे एडोलिस की एज पे आपको एक बैलेंस डाइट खानी चाहिए पर्सनल हाइजीन मेंटेन करनी चाहिए और फिजिकल एक्सरसाइज करनी चाहिए ताकि आपकी बॉडी सही तरीके से ग्रो करे अब क्या क्या न्यूट्रिशनल नीड्स होती हैं एडोलिस की एडोलेसेंस के टाइम पे मैंने आपको बताया रैपिड ग्रोथ होती है डेवलपमेंट होती है बॉडी के अंदर जिसके लिए आपको एक प्रॉपर डाइट चाहिए प्लान करना बहुत जरूरी है डाइट को क्योंकि वो बैलेंस्ड होनी चाहिए बैलेंस्ड डाइट का मतलब खाने के अंदर प्रोटीन सोने चाहिए, होने चाहिए कार्बोहाइड्रेट्स फैट्स होने चाहिए वाइटाम होने चाहिए सही प्रोपोर्शन के अंदर हमारा जो इंडियन मील है जिसमें रोटी राइस दाल पल्स सब्जियां हैं वो एक बैलेंस्ड मील है दूध एक बैलेंस्ड फूड है इन इट्सल फ्रूट्स जो हैं वो आपको नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं इन फैंट्स जो छोटे बच्चे होते हैं ना जीरो से एक साल की एज के मिल्क के से उनको नरिशमेंट मिलता है तो आयरन हमारी बॉडी में ब्लड बिल्डअप करता है और आयरन रिच अगर आप खाना खाना चाहते हो तो आप खा सकते हैं ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जैगरी गुड़ मीट सिट्रस खट्टे फ्रूट्स इंडियन गूसबेरी आंवला खाया जा सकता है डॉलसेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अब आप एक आइटम्स की लिस्ट बनाइए जो आप लंच में खाते हैं डिनर में खाते हैं कि क्या वो बैलेंस डाइट के अंदर आते हैं या नहीं आते जो भी आप खाते हो अब जैसे मैं अपनी बात करूं तो मैं रोटी राइस दाल सब्जियां खा लेती हूँ लंच और डिनर में लंच और डिनर के बाद मैं कोशिश करती हूँ कि मैं फ्रूट्स खाऊं जैसे एप्पल बनाना और रात को सोने से पहले और शाम को तो दूध पक्का होता ही होता है और मुझे ये लगता है कि मेरा जो खाना है डेफिनेटली न्यूट्रिशियस भी है बैलेंस्ड भी है और मुझे ये जो जंक फूड है डेफिनेटली कुछ हद तक पसंद है चिप्स हो गया आपके कैंड कोका कोला हो गए पिज्जा हो गया लेकिन ये रेगुलर मील्स को नहीं रिप्लेस करते क्योंकि इनके अंदर न्यूट्रिशनल कंटेंट बहुत कम होता है और आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता आपने देखा होगा जब आप जंक फूड खाते हो तो कितनी प्यास लगती है क्या मालूम उसके अंदर कितना कुछ डाला होता है अब हम एक लिस्ट तैयार करते हैं अपने लिए कि हम ब्रेकफास्ट में क्या खाएंगे ब्रेकफास्ट में कोशिश करना ब्रेड पॉरेज दलिया खा लो खाओ और एक ग्लास दूध का पियो। लंच के अंदर रोटी दाल सब्जी खीर फ्रूट्स खाओ और एक दूध का गिलास पी लो अगर कोई और इंसान है तो उसके लिए अगर मैं बना रही हूं तो मैं बोलूंगी ब्रेड बटर चाय लंच में चावल फिश करी वेजिटेबल्स बनाई जा सकती है फ्राई करके डिनर के अंदर चपाती रोटी राइस दाल वेजिटेबल कर्ड दही का होना बहुत जरूरी है वैसे ही जो तीसरा इंसान है उसके लिए भी मैंने बनाया है एक टेबल ब्रेकफास्ट में आप खा सकते हो जो आपके आसपास सामान मिलता है आ, इडली खा सकते हो सांबर चाय लंच में राइस सांबर कर्ट डिनर के अंदर सेम जो आपने लंच में खाया चपाती खा सकते हो तो हम कह सकते हैं अलग अलग तरीके के लोग अलग अलग चीजें खाते हैं लेकिन जरूरी ये है कि वो बैलेंस्ड हो और न्यूट्रिशनल क्वालिटी भी हो उसके अंदर अब बात करते हैं पर्सनल हाइजीन की दिन में एक बार बात लेना बहुत जरूरी है टीन एजर्स के लिए बात लेना जरूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि इस टाइम पे मैंने आपको बताया था स्वेट ग्लैंड जो है वो एक्टिव हो जाते हैं पसीना ज्यादा आता है बॉडी से स्मेल आती है तो इसीलिए हर पार्ट को धोना बहुत जरूरी है क्लीनिनेस रखना जरूरी है ताकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो गर्ल्स को खास तौर पे ध्यान रखना चाहिए जब उनके मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रहा होता है पीरियड्स चल रहे होते हैं अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल का एक ट्रैक रखो कि कब पीरियड्स आते हैं कब शुरू होंगे वो सब चीजें रखना ध्यान में जरूरी है फिजिकल एक्सरसाइज भी जरूरी है वॉक पे जाओ फ्रेश हवा लो उसके अलावा बॉडी को फिट रखने के लिए योगा कर सकते हो बाहर गेम्स खेल सकते हो लेकिन आपकी एक जिम्मेदारी बनती है वो जिम्मेदारी ये है कि आजकल बहुत सारी मिथ्स हैं टेबूज है ऐसा करना चाहिए ऐसा नहीं करना चाहिए जैसे सबसे पहला ये कि अगर लड़की पैदा हो रही है तो उसकी जिम्मेदार उसकी मां है मैंने पहले ही बता दिया ये मेल के हाथ में होता है फादर के हाथ में होता है दूसरा जब लड़की का मैं चल रहा होता है तो उसको किचन में या अचार को हाथ नहीं लगाने दिया जाता ये गलत है एक लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है अगर वो लड़कों को देखे ड्यूरिंग हर मेंस्ट्रुएशन भी एक गलत मिथ है जिसे हमें प्रमोट नहीं करना चाहिए अब आपको बोला गया है कि आप अपनी क्लास में एक डेटा इकट्ठा करो कि कौन से बच्चे जो है वो रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं कौन से नहीं करते और क्या बच्चे जो रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं आप देख सकते हो कि वो फिट हैं या नहीं है तो मुझे यही लगता है कि हाँ डिफरेंस तो है फिटनेस में हेल्थ में जो लोग रेगुलरली एक्सरसाइज करते हैं एज कम्पेयर टू वो वाले लोग जो बिल्कुल ही एक्सरसाइज नहीं करते खुद भी बीमार रहते हैं दिमाग भी नहीं काम करता कॉन्सेंट्रेट भी नहीं कर पाते तो एक्सरसाइज बहुत जरूरी है ह्यूमन लाइफ के अंदर ताकि आपका माइंड फिट रहे आप अलर्ट रहो स्ट्रॉन्ग बनो और बॉडी भी फिट रहे लास्ट चीज प्लीज से नो टू ड्रग्स एडोलेसेंस एक ऐसा पीरियड है जब आपकी बहुत ज्यादा बॉडी के अंदर चेंजेस आ रही होती हैं, दिमाग में चेंजेस आ रही होती है रही होती, आप इनसेक्योर फील करते हो कंफ्यूज्ड फील करते हो तो अगर आपको इस टाइम पे कोई बोले कि यार ड्रग्स ले लो उससे बेटर हो जाएगा तो प्लीज से नो इवन अगर कोई दवाई प्रिस्क्राइब करे तो वो डॉक्टर ही करें ये जो ड्रग्स होते हैं ना ये होते हैं ये लत लगाने वाले होते हैं आप एक बार अगर उसको खा लेते हो तो डेफिनेटली बार बार खाने का ना आपका मन करता है और ये आपकी बॉडी को लॉन्ग रन में हार्म करते हैं हेल्थ छीन लेते हैं हैप्पीनेस छीन लेते हैं आपने एड्स के बारे में सुना होगा जो एक डेंजरस वायरस है एच एड्स एच से होता है ये वायरस एक नॉर्मल इंसान को भी इंफेक्ट कर देता है अगर आप यूज स्ट्रेंजेस यूज करो या अगर मदर को एच है तो बच्चे को अगर दूध पिलाया जाए तो बच्चे के भी चांसेस हो जाते हैं कि उसको इन्फेक्शन हो जाए या इंटरकोर्स के टाइम पे भी ये कॉमनली देखा गया है कि एच हो जाता है अभी इसका ज्यादा क्योर है नहीं तो इसके बारे में प्रिकॉशंस यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है लास्ट चीज ये कि एडोलिसंस प्रेगनेंसी के बारे में मैं डिस्कस करना चाहती हूँ अक्सर ये देखा गया कि लोगों को पता होता है कि राइट right एज कानूनन तौर पे जो लीगल एज है शादी की वो लड़कियों के लिए 18 इयर्स है लड़कों के लिए 21 इयर्स है इंडिया के अंदर लेकिन कई बार जल्दी शादी होने की वजह से टीन एज में ही बच्चे को माँ बना दिया जाता है लड़की को जो बेबी नहीं कंसीव कर पाती उसकी हेल्थ इश्यूज आ जाते हैं बच्चे के अंदर प्रॉब्लम्स आ जाती हैं तो आपको ये जागरूकता फैलानी है कि देखिए मेंटली टीन बच्चा तैयार नहीं होता प्रेगनेंसी के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए अभी वो खुद बच्चा होता है तो जो जल्दी शादियां कर दी जाती है टीन के अंदर और डेफिनेटली बोला जाता है बच्चा कंसीव करो ये एक गलत चीज है माँ और बच्चे दोनों के लिए हार्मफुल है तो ये थी आज की क्लास आई होप आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा आज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज मेक श्योर यू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आई सी यू सून टिल देन टेक केयर Bye-bye.